ह्यूमन राइट्स किधर गए? ह्यूमन राइट्स किधर गए? का जुल्मो सितम सफाकी का, सरकार की हर कम जरफी का, निजाम की इस बदमाशी का, वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। मैं न्यूरोसर्जन बढ़िया, मैं ग्रेड 19 में बढ़िया, पहुंचता हूँ हर मुखो बड़े होता 3 साल का बच्चा बड़ा सरबराह बनाया उसी, फिर मैं वो बच्चा मैं बार बार तंग करता था, डॉक्टर है, फिर वो मैं थोड़ा मामा कोई सियासी है थे, मैं यार तीसरे कर दिया। गहरे हैं कहीं दहशत के साए हैं, कहीं सफाक चेहरे हैं, जहनों की तालाबंदी का, सोचों पे पाबंदी का, और सिस्किया होजारी का, माफिया की अय्यारी का, वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। दहशत का बदला वोट से, दहशत का बदला वोट से। अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता। मैं इंतहाई टॉर्चर होता है इस चीज को देख के। इस्तीफा कहानी ये है कि मैं गवाही दी थी, कुछ लोग भर्ती होया से अस्पताल में, अस्पताल के अंदर लोग भर्ती करके भेजे गया से, पिछा 2021 की गल है, जिसमें जिसको पीटीआई की गवर्नमेंट आसी, जी भर्ती की जी आसी स्लिपा आसिया उस असने साइन कर सी चौकना सा लाए, तो फिर एंटी करप्शन भी गया है कि एंटी करप्शन वाले आया कि भाई तू की कितने साइन तू तू बंदे तो भर्ती कितने, मैं नहीं मैं जी मैं तो नहीं भर्ती कितने, ना मैं बंदे देख ना ये अस्पताल में भर्ती होने उसने आगा ये थोड़ा साइन किस तरह था है, मैं आगा जी इस तरीके मैं किसी मकसद वास्ते साइन किया, साइन इस नाल टच कर छोड़िया, केस खुल गया सा दोबारा खुल गया सा, तो उन लोगों ने चूंकि मिनिस्टर से लोग उनके खिलाफ केस ओपन हो गया सा, और उनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन ने लॉ डिपार्टमेंट को ये सिफारिशात भेजियां कि इन लोगों के खिलाफ FIR की जाए। साफ चली शफाफ चली शहर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के झंडे तले किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल में 23 बोगस भर्तियां, वजीरों मशीनों के नाम भी सामने आ गए, नैब और एंटी करप्शन ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी। मानसेरे के मशहूर न्यूरो सर्जन नजीर एलवी को अस्पताल के MS और मुलाजमीन की जानिब से हिरासत किए जाने पर डॉक्टर रोते हुए मरकजी चौक पहुंच गए, खुदकशी की कोशिश लोगों ने नाकाम बना दी, डॉक्टर PTI हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मानसेरा की किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल में 1 साल कबल 23 अफराद को बोगस तरीके से भर्ती किया गया। किंग अब्दुल्ला अस्पताल में काम करने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर नजीर एलवी ने मानसेहरा चौक में रोते हुए बताया कि मेरा साइन भी बोगस तरीके से कमेटी में डाला गया। उनका कहना था कि मुझे पता चला तो मैंने एंटी करप्शन और नेब को बयान दिया कि मेरा साइन तो फेक है, ये करप्शन करके बोगस तरीके से भर्ती हुए हैं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर नजीर एलवी का ये भी कहना था कि किसी अखबार में कोई इश्तिहार नहीं लगा, 23 अफराद को भर्ती कर दिया गया। उनका कहना था कि रात को अंधेरे में ही नोटिफिकेशन कर दिया गया था, मैं गवाह बना तो मुझे पहले अपने ओहदे से हटाया गया, उसके बाद मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर नजीर एलवी का कहना था कि PTI की हुकूमत में जो कि इंसाफ की हुकूमत है और जिसका मकसद इमरान खान के इंसाफ और रियासत मदीना बनाना था, हुकूमत को इस्तेमाल करके किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसेरा में गैर कानूनी भर्तियों पर मुझे जेली मेंबर शो किया, इसकी एंटी करप्शन ने जांच पड़ताल की, मेरा बयान लिया और ये सारा टोला फंस गया। डॉक्टर नजीर एलवी का कहना था कि अब अस्पताल के MS मुझ पर दबाव डाल रहा है कि अपना बयान तब्दील करके हमें बचाओ, कि खुदा के कानून के खिलाफ है। डॉक्टर नजीर एलवी ने रोते हुए बताया कि क्या मुझे अपना सच्चा बयान 164 तब्दील करना चाहिए। डॉक्टर नजीर रेलवे का ये भी कहना था कि सूबे में बैठे कुछ अहम हुकूमती अहदेदार भी इनमें शामिल हैं। उनका कहना था कि मैं 19 ग्रेड का न्यूरो सर्जन डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। डॉक्टर नजीर रेलवे का ये भी कहना था कि मुझे मजबूर होकर अवाम तक अपनी फरियाद लानी पड़ी है क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका हूं। उन्होंने ह्यूमन राइट से भी मदद की अपील की है, जबकि आखिर में उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तमाम करप्ट टोला इसका जिम्मेदार होगा। तो बड़े ह्यूमन राइट्स किधर गए? मैं न्यूरो सर्जन बढ़िया, मैं ग्रेड 19 में बढ़िया, पहुंचता हूँ हर मुखो बड़े होता 3 साल का बच्चा बड़ा सरबराह बनाया उसी, फिर मैं वो बच्चा मैं बार बार तंग करता था, डॉक्टर है उसे पता उसी कुछ, फिर वो मैं उसकी मिलने की मैं थोड़ा मामा तो कोई पता नहीं कोई थोड़ा मामा कोई सियासी है थे, मैं यार तीसरे कर दिया तू तो मैं एक डील कर दिया उसने के डील मैं तू बड़ा सरबरा है मुख डिपार्टमेंट में नपैसा तो नगा ना कर बस आइंदा तू बटन में निका मेरे को ना 23 साल जूनियर लड़का
ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਛੋੜਿਆ ਇਹ ਐਮ ਐਸ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਐਮ ਓ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਐਮ ਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਣੋ ਔਰ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੀ ਐਮ ਓ ਬਣਾਇਆ ਮੀਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਕ ਮਿਲਿਆ ਮੱਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਟੋਰਚਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਿ ਮੱਕ ਕੋ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਗਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੁੱਪ पिछा 2021 दी गल है जिसमे जिसको पीटीआई दी गवर्नमेंट आसी ते ओ बच्चे ओ लड़के जड़े अच्छे हो गए भर्ती हो गए आए ते उन्होंने ओ उन्होंने जी भर्ती दी जी आसी स्लिपा आसी उस वक्त असन साइन कर सी किसी एक लंबी कहानी है वो साइन असन दे लाए ते फिर एंटी करप्शन भी गया है कि एंटी करप्शन वाले आया कि भाई तू की कीते साइन तू तू बंदे तू भर्ती कीते मैं ते नहीं भर्ती कीते ना मैं बंदे देख ना ये अस्पताल में भर्ती होने उसने आगा ये थोड़ा साइन किस तरह था है मैं कहा जी इस तरीके में किसी मकसद वास्ते साइन किया साइन है इस नाल टच कर छोड़िया वो केस क्लोज हो गया साल बाद हम कुछ दिन पहले नवी नवी गवर्नमेंट जो बनी है और नवे नवे लोग जो नवा जो मिनिस्टर बने जो नवे लोग बने इस दौरान जो है इस तो पहले वो केस खुल गया सा दोबारा खुल गया आसा तो उन्होंने लोगों ने चूंकि मिनिस्टर आ लोग उनके खिलाफ केस ओपन हो गया सा और उनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन ने ला डिपार्टमेंट को ये सिफारिशात भेजियाँ कि इन्होंने लोगों के खिलाफ एफ आई आर की जुलाए और वादा माफ गुआबला छोड़ा चूंकि मैं इसमें मुलव्वस ही ना सा तो रिजल्ट आया कि मैं वादा माफ गुआ बन गया इन्हें कोई तकलीफ और वो जिसले लोग मुख्तलिफ मिनिस्टरशिप मिनिस्टर बने तो उन्हें मिनिस्टर नाम भी उन्होंने लिस्ट में हैं कि उन्होंने तो एफ आई आर उड़ा लियन या हुसैन या वो अगर अज नहीं गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस की वजह ना तो कल हो जुलसन अल्लाह ने करे क्यों है मैं आधा अल्लाह पाक उनका पर्दा रखे उन्होंने बंद ने मैं टेलीफोन की अप्रोच की वो टेलीफोन की स्क्रीनशॉट भी मेरे को पेज दिन मिसकाल भी होंगे पेज दिन चार चार पांच पांच मिसकाल पेज दिन मेरे को स्क्रीन भी बाद में किसी आए कर बहुत खतरनाक तो डाल गेम कर रहे हैं एम एस से मग एक दड़े दफ्तर में बुलाया कि भाई तू इस तरह करके ये अपनी जो स्टेटमेंट है जी गवाही तू दी है इसको चेंज कर समझ रहे मेरी बात तो मैं उसको ये दस्या कि भरा ये एक जड़ा है जो उसी कुरान पाक में लिखित है कि थोड़े मुंह को ताले लग जुलसन थोड़े हाथ गवाई इन लफ्ज में पहले भी कोट कर चुके हैं था दोबारा कोट कर दा एम एस को भी कोट किते मैं थोड़े मुंह को ताले लग जुलसन थोड़े हाथ गवाई दे सन और तू कुछ थोड़े हाथ गवाई दे सन तो दो किते और थोड़े आजा जो कुछ तू करदा रहे वो भी कला हम कलाम वो कलाम कर सन और उस दिन तुसी बचना अक्सो अगर मैं आज स्टेटमेंट चेंज कर दा तो स्टेटमेंट चेंज कर दा मतलब है कि साल पहले जी गवाही तुसते अगेंस्ट में दी थी ऐसी जी तुसा करप्शन की थी ऐसी और तुसते अगेंस्ट एंटी करप्शन ने वो करप्शन साबित की है इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट में गलत दी थी ऐसी अगर उसको मैं चेंज कर दा इसका ही मतलब है ना जी बिना के और कोई मतलब है उसको बाद एम एस ने क्या किया मुझको न्यूरोसर्जरी बिचो डिपार्टमेंट का हेड आसा मैं 23 साल मेरी सर्विस हुई दी है पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस बड़ा 8-9 साल हो गए प्री फेलोशिप इन द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी ऑफ अहमदाबाद बड़ा एक्सपीरियंस 11 साल है मरे होता है एक जूनियर तीन डॉक्टर को उसने उस ऑर्डर कर छोड़े चलो कर छोड़े उसके पीछे एक पोलिटिकल बोला कोई मामा सा जुथा पे सा ओ काले बटे आंदा ते पता नहीं किड़े बटे आंदा सा ठीक है जी उसने कर छोड़े मैं उसको यही आया है कि यार तू ऑर्डर तू मत पता कि तू मैं रोसा तो तू मग मारसी इस तरह कर दे तू बड़े मैं निका बन जुलता तू बड़े बन जुल मैं निका बन जुलता लेकिन उसने मको चूंकि गेम हो रहा है
गेम ये है कि मैं बड़ा बड़ा उसको बाद में मुझ कुछ खावा और जने तूने का तोड़ी किस्मत भी होया तू अल्लाह बड़ा भी बड़ा सी हो मैं तो उसको यही आया और तू अल्लाह बड़ा बड़ा सी हो मैं 50 साल की उम्र में ठोकरा खाना खाना तुनो लाइफ बीटी बीच ग्राम जो है लकड़ी में टोना रहा था अल्लाह बाग भी अगर इतनी बड़ी डिग्री दी थे तू तो है ही पैदाइशी तौर पर खान पैदा हुए थे। बहरहाल उस खान ने बड़ी कदर न की थी और एमएससी नाल मिल के साजिश करके मुको पहले डीमोरलाइज कर किया एमओ बनाया उसको हेड बनाया मैं उस आली गल की थी उसको बाद एमरजेंसी में सटिया एमरजेंसी का शुरू भी किया कि हेड बनाया कुछ दिन बाद उसने आखिया कि भाई हूँ हेड भी नहीं तू हूँ तू जनरल सीएमओ है राधी मैं टेलीफोन आ दे तू कल जुड़ी राधी मैं बड़ा गला खराब पेचिस पड़े लगी थी मैं अस्पताल भी पैदा सा तस्वीर मेरे को भेज दी उसने मैं कहा तू फलाड़ी जी बिजुल है खून एक मरीज है और एम एल सी है थोड़ा खून कहने के आना है मेरे को ना कोई गड्डी है ना कुछ है कोई नहीं ना कोई मैं काला करता काला नहीं चाहता मेरे ना मतलब अजीब तरह की सिचुएशन है मेरे तो ऑब्जरवेशन लाई दी कि देखो इसको पकड़ो किसी तरीके नाल ते इसको फिर मैं कोई भी आखिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुको उस दिया है तो मैं रिलीव कर सा मैं प्रा गल सुन तुमने ते आख छोड़े रिलीव कर छोड़ सा तू कर ना तब मुको रिलीव कर भाई तू के स्टैंड के मक मैं रिलीव कर सी तू ए आख सी कि मेरे खिलाफ इसने गवाही दी है तो फिर तू किस तरीके नाल तू तू को लोग किससे नहीं दुनिया का आजाना होनी है मुको मतलब तरह तरह नाल टॉर्चर इतना किया गया कि मैं और जेरे मुको नींद नहीं आती कई दिन तो मैं सोया ना और मैं इंतहाई डिस्टर्ब हाँ और मैं अवामी हल्के गवर्नमेंट के जो अदारे और जितने भी अच्छे लोग हैं वाह वो अल्लाह करे मुस्लिम लीग में हैं अल्लाह करे वो पीटीआई के लोग हैं अल्लाह करे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर मैं ताजरान है जिन्हें तुम जमा होते था वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कमिश्नर साहब को लोग इनके असिस्टेंट कमिश्नर मोस्ट जूनियर अगर है वो उन्होंने भी जो कोई अच्छा आदमी है तो उनको इंसाफ दिलाव है और मैं इस एम एस को भी आया हूँ जो मजीद मकद तंग कर यार इतने तब लोग मुझे पहुँचा ये तो तुम ना सट ना वो आदर ना तू मेरा दुश्मन है और एक क्लियर कट उस कल मका है कि तू मेरा दुश्मन है और उसको बाद जो है वो मड़े पिछले लगे थे और काफी दिन पहले तो लगे था ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ उसके खिलाफ कोई केस ना करता उस मेरे को उस बात मेहरबानी करो मेरे बिजू कट हो यार देखो जद भी कोई आदमी सुनो गौर सुनो जिस वे कोई आदमी भर्ती होंगे तो उसके कुछ POR होने उसका एक तरीकेकार होंगे तरीकेकार के होंगे पूछो के होंगे ये होंगे कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कारपोरेशन है उसको इजाजत करनी पड़ी है फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसने तनख्वाह देनी है उसको इजाजत करनी पड़ी है उसको बाद बंदे की बंदी देख कि कितने असर जरूरत है और कितने असं अफोर्ड कर सकते हैं वो बंदे नंबर भी सिलेक्ट किए जुड़े सिलेक्ट करने तो बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट की जुड़ी है अखबार में और कुछ दिन देते जुल दिन कि भाई इतने दिन में ये कागज पूरी करो तुम आके पारसी हो लेकिन इन फ्रंट ऑफ सिलेक्शन कमेटी बड़ी गलत ना समझो इन्होंने एक फेक सिलेक्शन कमेटी बनाई है उस और ना साइन असल नहीं आसे साइन असल नहीं आसे साइन की सही मकसद वास्ते किसे आसे थे वो असल साइन उस फेक सिलेक्शन कमेटी का उस नाल करके पेशा 22 बंदे भर्ती करके उस नाल के कीता उस नाल ओ क्या दिन जड़ा मिनट साहब मीटिंग वो भी लाइया मिनट साहब मीटिंग का रूल ये होंगे कि जोड़ा बंदा भर्ती करता ही है जो सिलेक्शन कमेटी का मैंबर होंगे वो मिनट साहब मीटिंग के हर सफे उठा साइन करता है जे कोई साइन असं नहीं किए थे क्योंकि असं बंदे ही दीजिए असं बंदे देखे ही नहीं बंदे रात ही भर्ती हो न्यूज पेपर में क्यों इश्तहार नहीं देते कोई इश्तहार नहीं देता गरीब आदमी मुकाबला ना कराता दुआ अगर एम एस को तुम बिचो अगर कोई आदमी सपोर्ट करते मैं तुम छोड़ सा लेकिन उस बंदे को जो कुत्ती चोरा वाली मिली थी मैं उसको ना छोड़ सा और मैं नहीं पता कौन है ये तो सर कुत्तों से टूट जाने की उस चोरा को ढूंढो और अमीन अली के अंदर पुर जाता था और जो ऑफिसर जो है वो करप्शन करे उसके असर में ईट मारो
मारो उसके सर में, ईंट पे खड़ा हूं, अगर मैंने करप्शन की तो मेरे साथ ईंट मारो, अगर मैंने करप्शन नहीं की तो मैं इसके सर में। और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, कल मरना भी है, मैं गुनाहगार हो है, ये गलजल मेरे को कि मैं गुनाहगार ना, मैं गुनाहगार हूं, जरा आदमी टक टक में ज्यादा कर देना, ए जी गल नहीं क्यों गुनाहगार हो सी, अल्लाह पाक ने इंसान को जीता है, लेकिन एक गलजल में रखियो कि इस मामले में जो कुछ एक है इसमें मैं शामिल ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कोई स्टॉक भी आज में दी है, मरी मैं मर गया थे बड़ी कब्र तो अभी आड़ के उतरे हो, अगर मैं इसमें साबित हो जलता मन नाल मैं है की गल करता कि मैं ह्यूमन हूं और मेरे राइट्स हैं, बस मैं ह्यूमन हूं और मेरे राइट्स हैं, इसको आदिन ह्यूमन राइट्स, किसी दी ह्यूमन राइट्स एक कुछ चार त्रे चार कंपोनेंट होने, रोटी कपड़ा मकान पूरी एजुकेशन, एजुकेशन के मुताबिक उसको कम करना और उसको उजरत देना, एजुकेशन के मुताबिक मैं न्यूरो सर्जन हाँ, मैं 50 साल का जना तो मेरे आड़ के इमरजेंसी में चौक किया और मैं चौकता चल दे, कोई भी डर है कि कल मेरे को चोरी का इल्जाम ना छोड़ आए, मैं तो सब तुम तुम इतिहास हो सभी के पता मालन शक्ल तो यही लगता था, ये पता लग गया ना जैसे जना चोर बन जो मेरे दिमाग सामने तो फिर वो बात ना शक थोड़ी थोड़ी मिल गया सर साहब, कोई जना कोई नहीं आता तो सी खुदा देना है इस एमएस को, हो खुदा देना है, हो मेरे पीछे कटो अपनी टीम समेत मेरे पीछे कटो, मैं उन्हीं टीम में एक मेंबर, एक मेंबर को आके कि खुदा देना है, हो मेरे पीछे कटो, डॉक्टर वो डॉक्टर ये मानसर वो सीन ना मेंबर डॉक्टर मिस गौरव सिंह गर्ल्स पर तू तो अपना भाई तो लोली है तू दम में की जाती की अगर मेरे तुलना को गलती ना जाती किसी ने मेरे पीछे कटो मैं माफ करो सारे को डॉक्टर साहब खलना चाहिए।